डेली करंट डोज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपका आज हमारी डेट है 29/7/2020 और आज का हमारा करंट है जिसके बारे में बता देता हूँ डेली करंट के हिसाब से। पहला है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश में भ्रष्टाचार के लिए 12 वर्ष की सज़ा हुई, ठीक है। दूसरा है हमारा बुकर प्राइज 2020 के लिए 13 लेखकों की सूची में भारतीय मूल की अवनी जोशी को उनके उपन्यास बर्न्ड सुगर के लिए नामित किया गया। अब आपको बता दें जो आपका बुकर प्राइज़ है वो लंदन में दिया जाता है और किसी भी इंग्लिश साहित्य के लिए दिया जाता है। तो इस सूची में 13 लोगों को शामिल किया, यानी कि 13 लेखकों को शामिल किया जाता है जो इंग्लिश के साहित्यकार हैं। उनमें से जो अभी प्रेजेंट की जो सूची है उसमें 13 लोगों को शामिल किया गया है। उसमें से अवनी जोशी को जो भारतीय मूल की हैं उनको जोड़ा गया है या उनको नामित किया गया है, जिनका उपन्यास बर्न्ड सुगर इसको इस सूची में जोड़ा गया है। अगर इनको प्राइज़ भी मिलता है तो इस उपन्यास के लिए इनको प्राइज़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं करंट, भारतीय मूल की अर्चना सोरंग को यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जलवायु से संबंधित समूह में शामिल किया, ठीक है। भारतीय मूल की अर्चना सोरेंग को यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जलवायु से संबंधित समूह में शामिल किया, यानी कि जलवायु आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन कई बार जलवायु या अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक जलवायु आपदा है उस पर कई बार अपने दिशा निर्देश और पैनल बुला चुका है। उसमें से एक जो नया पैनल है जो जलवायु को कैसे बचाया जाए और उस पर अपने विचार व्यक्त किए जाए और रिसर्च किए जाए, उसमें एक पैनल बनाया गया है जिसमें भारतीय मूल की अर्चना सोरेंग को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से 5 आज अम्बाला एयरबेस पर पहुँचेंगे। देखिए आज की डेट है 29/7/2020, आज की डेट में 36 में से 5 राफेल विमान हमारे अम्बाला एयरबेस पे उतरेंगे। आपको मैं बता दूं, जो हमारा राफेल विमानों का सौदा है वो फ्रांस देश के डेसो कंपनी से हुआ था, जो हुआ था आपका 23 सितंबर 2016 को, और ये 59,000 करोड़ का सौदा था जिसके तहत 36 राफेल विमानों को ख़रीदना था। तो पहली खेप में 36 में से 5 राफेल विमान भारतीयों को मिलेंगे और बताया जाता है ये जो राफेल विमान है काफ़ी अत्याधुनिक होता है और ये काफ़ी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। अब नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं, अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना एंड पिफिजर, ये आप देख सकते हैं अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना एंड पिफिजर द्वारा तैयार की गई कोरोना दवा मॉडर्ना पिफिजर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आखिरी चरण में शुरू हो गया है। तो आप देख लें, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना एंड पिफिजर, इसने कोरोना की एक दवा बनाई है जिसका नाम है मॉडर्ना पिफिजर, और ये जो टीका है ये आपके कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। अब इसका ट्रायल चल रहा है जो आखिरी चरण में है, अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद सारे लोगों को कोरोना की दवा प्राप्त हो सके। देखते हैं आगे, ऑनलाइन शतरंज में भारत के विश्वनाथन आनंद की जीत, उन्होंने इसराइल के बोरिस गेलफांड को 2.0 और 0.5 के सेट से हराया। आप देखेंगे ऑनलाइन शतरंज का गेम हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, उसमें हमारे विश्वनाथन आनंद कई समय से ये हार रहे थे और उन्होंने इस चीज़ को झुटला दिया और उन्होंने फिर एक बार जीत का दामन थमाला है और विश्वनाथन आनंद ने जीत हासिल करी है जिसमें उन्होंने इसराइल के खिलाड़ी बोरिस गेलफांड को 2.5 और 0.5 के सेट से हराया। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कुछ ही समय बाद होने वाला था, इसी यानी कि 2020 के तहत होने वाला था, जो कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। ये गोल्फ का ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, ठीक है, और ये कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। धन्यवाद।